अच्छा अरफा, माशाल्लाह यू बिलीव इन योर सेल्फ, आपने जो कुछ सोचा वो किया और आगे भी माशाल्लाह वेरी डिटरमिंड, हमारी आपके लिए बहुत सी दुआएं भी हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज सोची हो और वो ना हो सके? कभी होता है ना, इंसान कुछ प्लान करता है वैसा नहीं हुआ, देन अरफा कैसे रिएक्ट करती है जब उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो या उसने मेहनत की हो कोई चीज अचीव ना कर सकी हो, देन हाउ डू यू रिएक्ट? जिस तरह मैंने कोई चीज़ प्लान की होती है, मैंने इसके अंदर एक ये भी छोड़ा होता है कि ये दिस इज़ ऑन गॉड, होता है कि नहीं होता। पंजाबी में एक शेर है, माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। वाह। सो आपको मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क का फल जरूर मिलता है, करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, वो करते हैं ये नहीं करते। तो वो डिसअपॉइंटमेंट फिर नहीं होती? डिसअपॉइंटमेंट फिर नहीं होती। आप बड़ों को क्या मैसेज देंगे? बड़ों और बच्चों के लिए एक ही मैसेज है, क्या ये बड़ों के लिए भी काम आ सकता है, लीडर्स के लिए भी काम आ सकता है, सबके लिए भी काम आ सकता है। ये है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, यू मस्ट रिमेंबर दैट शाइनेस इज ओनली इन द माइंड। इफ यू थिंक शाय यू एक्ट शाय, but if you think confident you act confident, therefore never let shyness conquer your mind. ye political leaders ke bhi kaam aa sakta hai, wo jaisi kisi cheez ko soch lete hain ki jis tarah acha chale, humne faisalabad ko ek bahut hi karachi jaisa city banana hai, soch lenge, soch ke use rakh denge, waise rakh denge, karenge nahi aage. aapko agar aapne koi cheez pakad li hai तो उसको बीच में ही छोड़ देना। इस तरह से नहीं करना कि भाई अगर आपने अच्छा आपने एक बुक रीडिंग करने के लिए शुरू की हुई है, बुक को आधे दरमियान में छोड़ के तो किसी और तरफ लग पड़ा। एक किताब शुरू की है, एक किताब शुरू की है तो उसे खत्म करके, थॉट ज़हन में आई है तो उसको तस्वीर तक पहुंचाना है, मुकम्मल करना। हाँ, एक थॉट आपके ज़हन में आई है उसे उसको कभी अपने अंदर ना रखें, उसको डिस्कस करें, डिस्कस करनी चाहिए, जिसके मर्जी अंदर थॉट आए उसको डिस्कस करनी चाहिए। मेरे अंदर एक दफ़ा थॉट आई थी, मैंने अपने बाबा से बात की थी कि बाबा आई वांट टू मेक सम स्कूल्स इन माय विलेज जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए, जो पुअर बच्चे हैं जिनसे फीस अफोर्ड नहीं हो सकती, और उसके अंदर क्वालिटी टीचर्स होंगे और कंप्यूटर्स भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा उनको, आम वो जो जिस तरह ये अपने शहरों के स्कूल होते हैं उससे काम नहीं होगा। फिर इस थॉट का क्या बना? इस थॉट का है भी, मैंने इसके ऊपर किया हुआ है, मैंने ये जिस तरह MKRF फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट मीर खलील रहमान फाउंडेशन, इन्होंने CTLC बनाना शुरू किया है, ये उन्होंने कराची में अभी तक एक सेंटर बनाया है, ये इस तरह से बना रहे हैं, तो मैं स्कूल्स बना रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि पहला स्कूल जो ये बना रहे हैं वो मेरे गाँव में खुले। और आपके गाँव का नाम क्या? चार चक राम दिवाली, इट्स ऑन सरगोधा रोड, फैसलाबाद। Arfa, we are proud of you. It was a pleasure talking to you, meeting you.